मैं आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि आप लोग जो NIOS से रिलेटेड टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स हैं, उसी के मुतल्लिक मैं बात करूँगा। वो ये बात करूँगा कि आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें बता करके और कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको करना ये है कि उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो है गवर्नमेंट के पास एक मंसूबा है, प्लानिंग है कि हमें जो है किस तरह से अगर कोई भी चीज़ को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो प्रॉपर वे में करना चाहती है। उनके पास पूरे प्लानिंग होता है और फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसे करना है, उसकी पूरी खाका है, सारी प्लानिंग है। अब कुछ सारे हमारे शिक्षक साथी का जो है सवाल ये आता है कि भाई ये जो बिहार सरकार की तरफ से जो है ये पत्र निर्गत किया गया, तो उसको पूरे बिहार के जितने ज़िला हैं वो तमाम ज़िला एक ही बार में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? ये बारीकी से समझने की बात है। वो आपको ये समझना है कि अगर एक ही साथ में पूरे बिहार के सारे ज़िला के जिला शिक्षा पदाधिकारी पत्र निर्गत कर दे तो एक साथ बैक वक्त 60 से 70 हज़ार टीचर्स जो है वो आ जाएंगे रोड पे, और या फिर वो अपना आंदोलन या लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने लगेंगे। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना है वो नहीं करवा पाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये आपको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रही है कि आपको टीचरों को वो बांट दिए हुआ है और फिर वो अपना हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता। अब आप समझिए कि गवर्नमेंट धीरे 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 अपना कदम, जो उनकी रणनीति है, जो उनकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत वो अपना कदम बढ़ाते जा रही है और उसमें वो सक्सेस होते जा रहा है। लेकिन हम टीचर्स के पास वी डोंट हैव एनी प्लानिंग, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास जो है आपस में आपको संगठन संगठित हम नहीं है, हम जो है बटे हुए हैं अलग अलग खेमा में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग संघ में। और फिर जो है इस तरह से हम क्या कर रहे हैं अभी कि ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे या फिर पटना में जाके हमने जो है धरना दिया, देने के बाद फिर हम आके जो है सो गए, यानी हम मुतमइन हो गए, रिलैक्स हो गए कि हमें जो है अब दिक्कत नहीं होगी, हमारा जो है सारा चीज़ ओके हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आपको इस टाइम जो सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो ये है कि मैं आपको बार बार हर इधर जितने भी मैं आपको वीडियो दिया हूँ या फिर मैं गर्दनी बाग से भी कहा था या और भी कहता रहता हूँ कि आप सबसे पहले संगठित होइए, सबसे पहले आप एक होइए। अगर आप एक नहीं होंगे तो आपके लड़ाई का नतीजा वो पॉजिटिव आने के बजाय हो सकता है निगेटिव आ जाए। अब इसके लिए ये है कि आप सबसे पहले तो ये है कि आप एक होइए। दूसरी बात ये है कि आपके जो जानने वाले जो NIOS ट्रेंड टीचर्स हैं उनको आप बताइए, उनको आप समझाइए कि क्या वस्तु स्थिति है और क्या करने की आवश्यकता है इस टाइम में। ये दो काम कीजिए, एक तो सबसे पहले आप जैसे भी संगठित होना हो वो संगठित होइए, दूसरी बात आप उनको समझाइए, और तीसरी बात कि अगर आप संगठित हो जाते हैं, और अब मैं मतलब ये खुल के कहता हूँ, बिल्कुल आजमाया हुआ बात, वो जनाब अब्दुल बाकी अंसारी साहब जो हैं TET उर्दू संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मैं हूँ, और जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ कि आप जो है आंख बंद करके इन पे बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आप जिस भी संघ में हैं आप उस संघ में रहें, उस संघ का साथ दें, सारा चीज़ ठीक है। लेकिन इस मामले में, NIOS के मामले में, आप अगर चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। आप जो है बाकी अंसारी साहब वाले में, बाकी भाई के क़्यादत में आप आइए, और आने के बाद जो है आपकी लड़ाई वो लड़ेंगे, बल्कि लड़ रहे हैं, और लगातार 2-2 बजे रात तक जो है मीटिंग होती है, सारा रणनीति बनता है किस तरह से। अभी आप देखिए 3 बार अभी तक पटना में जो है ये किया गया, लेकिन जो जनसंख्या, जितना संख्या में टीचर्स को वहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ वो नहीं पहुँचे, तो ठीक है, नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी समय है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके हाथ को मजबूत
मजबूत करेंगे तो वेलकम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी लड़ाई को मजबूती के साथ, हमारी लड़ाई को धारदार तरीके से और जीतने वाली हो, तो आप हमारे साथ आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और इसी के साथ आप लोग देखिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।